अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चल रहे हैं दुबई में पासपोर्ट रिन्यूअल कराने, और आप लोग को हम हर वो चीज़ दिखाएंगे कि अगर आप जबल अली में हैं, जबल अली से आपको कहां के लिए बस पकड़ना है, और बस पकड़ने के बाद कहां उतरना है, और उतरने के बाद से कहां मेट्रो पकड़ना है, और मेट्रो पकड़ के कहां मेट्रो चेंज करना है, और चेंज करके कैसे कैसे जाना है। आज पूरा प्रोसेस आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो बन रहे हैं आप लोग इस वीडियो पे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं दुबई पासपोर्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग जबल अली खान सिटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और ये है खान सिटी रेस्टोरेंट, और ये है इसका काउंटर, देख रहे हैं। तो नाश्ता मंगाते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, हम अभी हैं जबल अली खान सिटी रेस्टोरेंट में, और रास्ते पर आपसे निकलेंगे अनुप मेट्रो स्टेशन के। कंदा रोटी सलाद, ये मटन कड़ी है, और रायता, सब कुछ है। और ये हमारे अख्तर भाई हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे। गाइस, हम लोग आ चुके हैं जबल अली से धनुक मेट्रो स्टेशन के पास, और मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे हम लोग, और हम लोग यहाँ से जाएंगे जबल अली, और जबल अली से फिर मेट्रो चेंज करके जाएंगे बर दुबई, बोले तो बुरुजमान पासपोर्ट ऑफिस में। आपको आज हर वो प्रोसेस दिखाएंगे कि पासपोर्ट बर दुबई में कहाँ पे रिन्यूअल होता है, ताकि आप लोग कभी भी जाएँ तो इधर उधर ना भटकना। सारे हमारे दोस्त मेरे भाई हैं कि दुबई में आए हैं, और उनको पासपोर्ट ऑफिस का जानकारी नहीं है कि पासपोर्ट ऑफिस बर दुबई में, बोले तो दुबई में कहाँ पे है। ठीक है, तो चलते हैं अभी अंदर मेट्रो स्टेशन के अंदर, और यहाँ से निकलते हैं हम जबल अली, और जबल अली से ठीक जाएंगे हम लोग दोनों भाई बर दुबई पासपोर्ट ऑफिस में रिन्यूअल कराने के लिए पासपोर्ट। ओके जी हाँ दोस्तों, तो हम अभी धनुप से जा रहे हैं जबल अली, तो अभी मेट्रो के अंदर बैठ चुके हैं और रवाना हो रहे हैं जबल अली के लिए। ठीक है, तो जबल अली चल रहे हैं, और जबल अली मेट्रो का अंदर का नज़ारा हल्का सा दिखाएंगे आप लोग को, और फिर बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो हम लोग धनुप से अभी जबल अली मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री मार चुके हैं, और हम लोग चल रहे हैं अभी बर दुबई। ठीक है, जैसे ही आप बर दुबई आइएगा बुरुजमान, तो आप 4 नंबर गेट से बाहर निकलिए। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में आपको मेट्रो उतारेगा, ग्राउंड फ्लोर से आपको 2 फ्लोर ऊपर आना है। 2 फ्लोर जैसे ही ऊपर आएंगे तो बाहर आपको एग्जिट गेट मिलेगा, तो 4 नंबर गेट से बाहर निकलिएगा। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको पासपोर्ट ऑफिस के लिए ये रूट पकड़ना है, ये रूट से आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपको इधर नहीं आना है, ये रूट में नहीं आना है। ये रूट में आएंगे तो आप बिल्कुल ही भटक जाएंगे, तो आप 4 नंबर गेट से जब भी बाहर निकलिए आपको ये रूट पकड़ के सीधा आगे राइट साइड में जाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, बने रहिए। अब जैसे ही मेट्रो के बाहर निकलेंगे तो ठीक 100 मीटर आगे जाएंगे तो ऐसा एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो बर दुबई में क्या है, यहाँ पे 2 पासपोर्ट ऑफिस है, तो एक पहले पड़ता है और एक आगे पड़ता है। जो आगे पड़ता है उसका बिल्डिंग नंबर है 118 और 119, बोले तो 118 और 119, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, और हम हाईलाइट कर रहे हैं कि कहाँ पे आप लोग का फर्स्ट वाला जो सेंटर है, ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग पूरा फुल कांच लगा हुआ है, ये एक बैंक है। ठीक है, तो इस बैंक का नाम है हबीब बैंक एजी जुरीज, तो इस बैंक को ध्यान देना है, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे ही पासपोर्ट ऑफिस है। ठीक, यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक रेड लाइट सिग्नल मिलेगा, और रेड लाइट सिग्नल जैसे ही मिलेगा आपको रेड लाइन सिग्नल को क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करके देख रहे हैं, यहाँ सारे के सारे आदमी रोड कैसे क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस करने के बाद से रोड के उधर जाने के बाद से यहाँ हल्का सा हम जूम करते हैं, और ये देख रहे हैं आप लोग व्हाइट बिल्डिंग जिसमें पूरा कांच लगा हुआ है, लिखा हुआ है OSIA, तो OC हाइपर मार्केट, ये जो आप लोग देख रहे हैं OC हाइपर मार्केट। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं पासपोर्ट ऑफिस के बहुत नज़दीक, तो ये देख रहे हैं, ये है पासपोर्ट ऑफिस, और चल रहे हैं हम अंदर, अंदर चल रहे हैं, दिखा रहे हैं सिस्टम पासपोर्ट ऑफिस का।
रिन्यूअल कैसे पासपोर्ट यहाँ पे दुबई में किया जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है आपको, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद से आपको लेफ्ट साइड घूम जाना है। आपको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नजर आएंगे, और ये देख रहे हैं ये है एंट्री गेट पासपोर्ट ऑफिस का। तो अंदर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं अंदर का नज़ारा, देख रहे हैं ये, इस पे लिखा हुआ है BLS इंटरनेशनल ऑफिस, ये पासपोर्ट ऑफिस ही है, ठीक है। टोकन नंबर मिल चुका है और बैठे हुए हैं अंदर। 154 मेरा टोकन नंबर है, तो अंदर आ चुके हैं। और ये है पासपोर्ट ऑफिस का काउंटर, इसमें टोटल 13 काउंटर इसका है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। और काउंटर पर जब जाइएगा तो आपको देना पड़ेगा पासपोर्ट और इमरेस आईडी। जैसे ही आप पासपोर्ट और इमरेस आईडी दीजिएगा तो आपका फॉर्म वहाँ फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद से आपको साइन करना पड़ेगा, कुछ साइन जैसे करेंगे तो आपको फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा। फिर कुछ पैसा काउंटर पर लगेगा, तो जो चार्ज आपका है वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे ही आप चार्ज देंगे तो आपको एक रिसीविंग मिलेगा और बोला जाएगा आपसे कि आपके नंबर पर अगर कॉल आएगा तो आप अपना डिटेल्स बताइएगा और अपना पासपोर्ट कुरियर द्वारा रिसीव।